बहुत सारे अरे लोग आ फर्जी रहे लोग है फर्जी लोग है सर वो लोग, तभी क्या सर झारखंडी लोग है सर वो लोग, फर्जी है फर्जी। अच्छा अभी जो गिरफ्तारी का बात हुआ, जी गिरफ्तार हुआ था का, पुलिस के डर से भागता है जी, अरे इतना हम लोग पिटाए हैं जी। इतना दोस्तों नमस्कार जोहार मेरे झारखंड के तमाम आंदोलनकारी साथियों को, और वैसे लोग जो हमारे इस आंदोलन को, खतियान आंदोलन को या फिर भाषा आंदोलन को सफल करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिए, और वैसे युवाओं से हम कहना चाहते हैं जो कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किए सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर लोगों तक पहुँच कर या फिर गाँव गाँव में जाकर लोगों को जागरूक करने लगे, और यही वजह है कि आज सरकार हमारे बात को माने। और आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे राज्य के कुछ कुछ ऐसे नेता लोग हैं या फिर कुछ कुछ ऐसे विधायक लोग हैं जो कहते हैं कि आंदोलन कहीं हुआ ही नहीं, अगर आंदोलन हुआ नहीं है तो आप लोग हर गाँव में जाके देखिए कि 1932 क्या एक टैग बन चुका है, ठीक है। और आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जयराम दा जिस तरह से हमारे राज्य के लोगों के हित में या फिर लोगों के हक के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए, और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 6-7 महीने के अंदर लगभग हमारे राज्य के सभी जिला में जाके सभा को संबोधन किए, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए। रही वजह कि आज 1932 जो खतियान है इसके आधारित जो स्थानीय नीति बोले तो इसके ऊपर कैबिनेट में जो पास हुआ है, ठीक है, और इसमें फिर ओबीसी का आरक्षण, इसके बारे में अलग वीडियो बना देंगे कि ओबीसी का आरक्षण किया है, इसके बारे में आप लोगों को समझा देंगे। तो दोस्तों लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि सरकार आप लोगों को पता है कि झारखंड का सरकार गिरने वाला है, तो यही वजह है कि उन्हें गिरते गिरते क्या करना चाहता है कि अपना इज्जत बचाने के लिए बोलता है ना, अपना इज्जत बचाने के लिए 1932 लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब ये सरकार बने थे हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री तब वो बोले थे कि 1932 यानी खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे अगर पास भी कर देंगे कैबिनेट से कोर्ट में खारिज हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देखिए जो कहते हैं गिरगिट रंग बदलने में देर नहीं करता, वही कारण है, बल तो वही हुआ किसके साथ, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ, क्योंकि जो कभी कहते थे ये नहीं होगा लेकिन अभी वो खुद ही कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहेंगे कि उनका जो इस प्रलोभन में मत आइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात हुआ कि 1932 खतियान यहाँ पे लागू होगा, नियोजन नीति स्थानीय नीति हम लोग तो बात करते चार को नीति का ना, स्थानीय नीति नियोजन नीति उद्योग नीति विस्थापन नीति, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नियोजन नीति की बात किया गया, स्थानीय नीति की बात किया गया। तो दोस्तों आप लोगों को जब तक ये निर्णय सही से हमारे राज्य के लोगों के राज्य के यहाँ पे जो मूलवासी आदिवासी के हक में जब तक नहीं आएगा हम लोग को चुप नहीं रहना है, और जो भी सरकार गलत करेगा या फिर सरकार की गलत नीति है उसका विरोध करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हमारा जो आंदोलन था ये भाषा आंदोलन था, और भाषा के बाद ये खतियान आंदोलन में बदल गया। दोस्तों आप लोग अगर जानते नहीं है तो आप लोगों को बताना चाहेंगे या फिर आप लोग जरूर उसको जानिए, क्योंकि अभी एक जो सरकार के नियम बनाया है जो हमारे जो यहाँ पे कुछ एग्जाम में जो क्षेत्रीय भाषा था ना पहले 9 भाषा मूल भाषा, सरकार की अभी 19 भाषा ला दी है। तो देखिए सरकार बीच बीच में या फिर चुपके चुपके बोले तो हमारे झारखंड के राज्य के मूलवासी आदिवासियों का हक को और उनका अधिकार को छलने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे वंचित रखने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों को दोस्तों बताना चाहेंगे कि सरकार का ये एक निर्णय ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के प्रति जो प्यार का भावना है वो बने रखे, और अगर सरकार गिर भी जाता तो अगला बार जब वोट होगा तो फिर जीते, इसीलिए 1932 का बात कर रहा है। और यही वजह है कि हम लोग का राज्य का जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी बोलते हैं कि 1932 के बारे में बार बार बोलते हैं, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट हमको बहुत बुरा लगा जो ये देखिए आप लोग बना रहे हैं सर, बना रहे हैं कब तक बन जाए, इसी तो बात है। तो 1932 का खतियान लागू करना पड़ेगा फिर सर, कायम करेंगे तो बिल्कुल कीजिए। जब हम बिहार में थे 1932 में हमको खतियान का मिलता था, तभी का गुना किए। तो कब तक लागू हो जाएगा सर, आंदोलन भी चल रहा है? कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, लगातार चल रहा है। कोई आंदोलन का आंदोलन सर, कितना कारों से धनबाद से पैदल आ रहे हैं सर, कहाँ पैदल है, क्या आया, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लोग है फर्जी लोग है सर वो लोग, तभी क्या सर झारखंडी लोग है सर वो लोग, फर्जी है फर्जी। अभी जो गिरफ्तारी का बात हुआ, गिरफ्तार हुआ था पुलिस के डर से भागता है, अरे इतना हम लोग पिटाए हैं, इतना जेल गए हैं, इसी उम्र में उतारे हैं, यदि हम जोड़ देंगे ना तो 5 साल मेरा जेल यात्रा होगा। एक केस नहीं हुआ, 107 नहीं हुआ, आंदोलन कर रहा है, कैठो आदमी आया था विधानसभा घेरा में, 200 आदमी नहीं आया था, आप लोग नहीं देखा था, कितना आदमी था, कितना था बताइए ना। अब सर गिनती तो नहीं किया है लेकिन सर, तब तो क्या आंदोलन, अरे दिन रात नाकेबंदी गुरु जी के नेतृत्व में हुआ, वो आंदोलन के बारे में पूछता है लोग, कितना ट्रक जला, कितना गोली खाया, कितना मार खाया, उसका लोग नहीं बोलता है। खाली हम एको कर दिए कौन सी श्रृंखला, मानव श्रृंखला, तो बड़ा आंदोलन हो गया जी। ऐसा नहीं होता जी। है इस वीडियो में जो कहते हैं कि हमारे राज्य में आंदोलन ही नहीं हुआ, तो
जगन्नाथ जी आपसे हम कहना चाहेंगे कि अगर आंदोलन नहीं हुआ तब जाके पूछिए ना गांव गांव में जाके कि 1932 किया है और जयराम महतो कौन है। आप लोगों का हर गांव का कोई ना कोई जरूर बताया कि 1932 किया, लेकिन आपको कोई नहीं पहचानता, लेकिन जयराम का हमारे राज्य के अनेकों गाँव का हर हर गाँव का लड़का जानता है कि जयराम महतो कौन है। तो आंदोलन है, आप उसको अब नेगलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आंदोलन अब झुकेगा नहीं, नहीं झुकेगा। आप भले ही आप 1932 का नाम लेके हमारे राज्य के लोगों को चुप करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चुप नहीं होंगे क्योंकि आपका हर गलत नीति में हमारे झारखंड के लोग, हमारे झारखंड के मूलवासी आदिवासी आपके विरोध में खड़ा होंगे। आपके ऐसे अनेकों नेता जो हमारे राज्य के गलत नीति नियम लाइएगा तो आप लोगों के विरोध में खड़ा होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ बोलेंगे सरकार का इस तरह से प्रलोभन से आप लोग दिग्भ्रमित मत होइएगा, और क्योंकि 1932 जो लागू कर दिया सिर्फ स्टेटस लगाने से नहीं होगा, हकीकत में भी जमीनी हकीकत होना चाहिए। ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर से जय झारखंड, जोहार झारखंड।